हेलो एंड वेलकम टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और हेलो एल्केन पे बेस्ड है एमसीक्यू सीरीज़। ठीक है, तो ये हमारा 8वां वीडियो है इसके लिए। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन CH3CH2CHCl इज़ ट्रीटेड विद NaH2 द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज़। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब हम इसको NaOH के साथ, नहीं सॉरी, NH2 के साथ मिलाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो देखो, जो NaNH2 होता है बेटा, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या होगा कि जब ये जेम डाइहेलाइड के साथ मिलता है, मतलब ये जेम डाइहेलाइड है, जेम डाइहेलाइड में क्या है, ये इस तरीके से तीन, और ये इधर Cl जो लगा देते हैं, और इधर Cl लगा लेते हैं, इधर H लगा देते हैं, इसमें इधर H लगा देते हैं, इसमें H लगा देते हैं, इधर इसमें इधर H लगा देते हैं, इसमें इधर H, और ये जेम डाइहेलाइड है बेटा। जब इसके साथ मिलाते हैं NaNH2 को, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या होता है बेटे, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन होता है। ठीक है, तो नाम क्या है, डीहाइड्रो। डीहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन भी रिमूव करना है, हेलोजन भी रिमूव करना है, दोनों चीज़ रिमूव करनी है, हाइड्रोजन भी और हेलोजन भी, दोनों चीज़ें रिमूव करनी है। अब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और ये हेलोजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और हेलोजन जाएगा। अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या बचेगा, ये तो इस साइड में तो ऐसा ही रहेगा ऐसा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि इसके दो हाइड्रोजन चले गए, इसके दो Cl चले गए। अब क्या होगा, इनके एक एक बॉन्ड खाली रह जाएंगे, मतलब सॉरी, दो दो बॉन्ड खाली रह जाएंगे और ये आपस में, ओह ये गड़बड़ बना दिया एक मिनट, ये हाँ, तो इस तो एक ये रहा, तो इसका इसके दो बॉन्ड खाली रह गए, इसके दो बॉन्ड खाली रह गए, तो इन्होंने आपस में क्या बना लिया बेटे, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हो गया, CH3CCH। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एल्काइन हो गया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना बेटा, एल्काइन बना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। RCH2CCl2R रिएजेंट, अच्छा इससे ये मिल रहा है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमारे पास क्या है, R, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, RCH2, ये CC और ये R। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटे, इसे बोलते हैं विनाइल डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं इसे, या विनिकल डाइहेलाइड, डाइहेलाइड। ठीक है, अब जो क्या होगा, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये क्या हो गया बेटे, ये बन गया है हमारे पास एल्काइन। क्या बना ये, एल्काइन। तो अगर इससे हमें एल्काइन बनाना है तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत होगी, स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत होगी, जैसे अभी इससे पहले वाले रिएक्शन में भी देखा था, स्ट्रॉन्ग बेस था। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास KOH NC2H5OH। ये क्या है हमारे पास, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इथाइल अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू डाई इथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल नहीं सॉरी, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड क्या होता है, इथाइल क्लोराइड ऐसा बनता है बेटा, इथाइल क्लोराइड ऐसे बनता है, ये होता है, ये इधर सी, इधर एच लग गया, इधर एच लग गया, इधर एच, ये भी इधर एच हो गया, ये इधर, ये इथाइल क्लोराइड है, और इससे हमें क्या बनाना है, डाई इथाइल ईथर बनाना है। तो डाई इथाइल ईथर कैसा हो गया, ये बनाना है। अच्छा, ये चीज़ कैसे बन सकती है, ये बनता है बेटे जब हम इसको मिलाते हैं किसके साथ, NaOR, यहाँ पे R भी क्या है, एल्काइल है, NaOR के साथ सोडियम एल्कोक्साइड के साथ मिलाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। अच्छा, जब हेलो एल्केन से ईथर बनाते हैं उस रिएक्शन को कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं उस रिएक्शन को, विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं, जब हम हेलो एल्केन से
ईथर बना रहे होते हैं, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन है बेटा ये? ये है विलियमसन सिंथेसिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल सॉरी द एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। क्या है? एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है जो कि आर एक्स, इसे कन्वर्ट करना है हमने किस में? आर ओ एच में कन्वर्ट करना है। तो इनमें से कौन सा रिएक्शन होता है? तो देखो क्या है, यहाँ पे एक्स है, इसकी एक्स की जगह पे हमें क्या लगाना है? ओ एच है। तो ये जो ओ एच है ये क्या कर रहा है? ये एक्स की पोजीशन को सब्सटीट्यूट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटे? एक्स की पोजीशन को ही सब्सटीट्यूट कर रहा है। तो ये किस तरीके का रिएक्शन है? ये है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है बेटा ये? ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन होता है? ये होता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, द प्रोडक्ट इज, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? देखो ठीक है, तो इनमें से क्या प्रोडक्ट बनेगा? चलो देखो क्या है, हमारे पास है सी एस थ्री सी एस टू, ये हो गया क्या है ऐसे सी, ये है हमारे पास सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू आई, इसके साथ हमने मिलाया के ओ एच, भी कैसा? अल्कोहलिक, ठीक है, एल्कोहलिक को ए ओ एच मिलाया बेटे, ठीक है। एल्कोहलिक के ओ एच मिलाने पे हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा ये क्या मिलेगा? एल्कोहलिक के ओ एच है, तो एल्कोहलिक के ओ एच में क्या हो रहा होता है? हमें मिलता है एल्कीन मिलता है, ऐसा मिलता है एल्कीन मिलेगा क्या? एल्कोहलिक, अगर एक्वस होता तब तो एल्कोहल बनता, लेकिन एल्कोहलिक है तो क्या बना? सी, ठीक है। तो ये सी एच थ्री और ये एक H इधर और सी एस टू, ये हमारा बन गया एल्कीन। क्या बना? ये एल्कीन बना। अब इसके साथ हम बी आर टू ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बी आर टू। तो जब बी आर टू ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा इस तरीके से सी एच थ्री सी सी एच टू और एक H तो था ही यहाँ पे पहले से, अब एक बी आर यहाँ आके लगेगा और एक बी आर यहाँ आके लगेगा। अब इसके साथ हम मिलाएंगे क्या? एन ए NH2, Na, NH2 या फिर अमोनिया। तो अभी स्टार्टिंग में ही ये रिएक्शन पड़ा था कि अगर हमारे पास इस तरीके से है, ठीक है, डाइहैलाइड्स हैं और इसमें अगर हम NaOH के साथ मिलाते हैं तो ये डीहाइड्रोहैलोजनेशन होगा, तो एक हाइड्रोजन और एक Br हट जाएगा, एक हाइड्रोजन और एक Br हटेगा, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का Br, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का Br, मतलब दो HBr हट जाएंगे। अब क्या बचेगा? इसके दो बॉन्ड खाली रह जाएंगे, इसके दो बॉन्ड खाली रह जाएंगे और जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, ऐसा ट्रिपल बॉन्ड। तो हमें क्या मिला प्रोडक्ट? हमें मिला बेटे एल्काइन। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? हमारा इस रिएक्शन का आंसर है एल्काइन है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें क्वेश्चन हो गए हैं ख़त्म, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक बने रहिए ज्वाला कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।